तो आज हम सीखेंगे ये मॉडल वन जो लिखा है, नाउ यूजिंग योर डिजिटाइज डेटा कैलकुलेट द नंबर ऑफ सैपलिंग्स इन द एग्रीकल्चर एरिया हैविंग स्लोप ग्रेटर देन 30 डिग्री एंड टोटल प्राइस ऑफ प्राइस इफ वन सैपलिंग कॉस्ट आर इज 10 एंड देर इज वन सैपलिंग पर 20 स्क्वायर मीटर। तो इसी का देखेंगे कि इसको कैसे निकालते हैं। सैपलिंग वैपलिंग मतलब ब्रांच होता है, और बोल रहा है कि 20 स्क्वायर मीटर में एक सैपलिंग लगेगा और उसका प्राइस होगा एक। और ये भी बोल रहा है कि इसमें स्लोप 30 डिग्री और उससे ज़्यादा का चाहिए, उससे ज़्यादा का स्लोप होगा कोई प्लांटेशन फॉरेस्ट्री वॉरेस्ट्री बनाना। तो लैंड यूज का डेटा को हम लोग पहले करेंगे कन्वर्जन टू रास्टर, मतलब फीचर टू रास्टर यूज करके, उसके बाद रास्टर लैंड यूज, उसके बाद सिलेक्ट स्लोप ग्रेटर देन यही सब करना है। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस में जाएंगे, ये रहने दो। तो लैंड यूज से फाइल को ऐड करेंगे, ठीक है। अब हमें पता करना है कि इसमें जो है ना, चलो एट्रीब्यूट दिखाते हैं। इसमें ये कोड वगैरह सब है, एफ कोड, तो इससे ये डिटरमाइन होता है कि ये कौन सा किस चीज के लिए बना गया है, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर्टीज में जाओ, सिंबोलॉजी कैटेगरीज, हाँ इससे तो मालूम नहीं चलेगा। चलो रहने दो, एक और ऐड करते हैं लेयर फाइल। तो कल्टीवेशन का येलो कलर का है ना, कैसे पहचाने यार। ओके, तो ये येलो कलर जिसका होगा उसका ही देखते हैं येलो। ओके, इसका डिफरेंस कलर रखते हैं कलर स्कीम में। प्रॉपर्टीज सिंबोलॉजी कैटेगरीज, अप्लाई। ओके, तो कल्टीवेशन का जो था येलो कलर का है ना कल्टीवेशन, वो हमारे में यहाँ पे ब्लू कलर का है। रुको, इसको येलो में चेंज कर देते हैं। अब देखो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, है कोई डिफरेंस। तो अब हो गया, तो ये हो गया। तो इसे मतलब हमें कल्टीवेशन एरिया चाहिए था, तो कोड नंबर मिल गया ना, कि देखो ना 25x2 जो है ना, ये सब हमारा कल्टीवेशन है और यही हमें चाहिए था। क्वेश्चन में भी बोला है ना एग्रीकल्चर एरिया के लिए एग्रीकल्चर कल्टीवेशन। तो ये बार बार भाग क्यों जा रहा है यार, हम कट कर दे रहा है क्या। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, इसको हटा देते हैं, रिमूव। ओके, अब पहले इसको, ये जो डेटा है ना हमारा, इसको चेंज करेंगे हम रास्टर में।
ठीक है, टीचर राष्ट्र, कन्वर्जन टूल है, ठीक है, इनपुट फीचर लैंड यूज इन सेल साइज जो मैंने वो रखो, कोई दिक्कत ना, फील्ड में एफ कोड ही रखो क्योंकि एफ कोड में ही था ना वो, ओके। ऐसा हो गया, एक चीज बताना भूल गया शायद इसमें, ये आउटपुट रास्टर इसको लोकेशन चेंज कर सकते हो, बट हम नहीं चेंज करेंगे, हम डिफॉल्ट ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा काम का, यही ये जो भी ग्रीन ग्रीन कलर का है कल्टीवेशन प्लस, अब ऐड करेंगे, दो तीन ऐड करना पड़ेगा, ना दो तीन तो नहीं, आई गेस कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। अब पहले ये बना लिए, उसके बाद क्या बनाएंगे, टोपो टू रास्टर मतलब डेम बनाएंगे, देखो ना यहाँ रास्टर लैंडेज सिलेक्ट स्लोप, ओके इसमें बढ़िया से नहीं बता, पहले डेम बनाएंगे उसके बाद स्लोप बनाएंगे उसके बाद 30 डिग्री वाला सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले डेम बनाते हैं, डेम बनाने के लिए कौन सा यूज करना पड़ता है, टोपो स्पेशल एनलिस्ट, ठीक है, इसमें सारा डेटा दे देंगे और इससे बनाएंगे हम लोग डेम, और डेम में से स्लोप निकालेंगे और स्लोप के बाद फाइनली हमारा रिजल्ट आएगा। तो क्या क्या ऐड करना है, प्लस में जाएंगे, कंट्रोल स्पॉट रिवर पॉइंट्स पता नहीं, कंटूर बाउंड्री भी तो चाहिए रहता है, ठीक है। अब एक बार के लिए दिखा देते हैं कंटूर और स्पॉट का, ओ अरे यार तो रे, ओपन एट्रीब्यूट, इसमें क्या है, हाइट में दिया गया है ना कंटूर, है कि नहीं, तो आ गया हमारा कंटूर यहाँ, तो इसका फील्ड देंगे हाइट, ठीक है हो गया। और उसके बाद गायब, उसके बाद स्पॉट, ओपन अप ट्रूट, इसमें क्या है, स्पॉट है, फील्ड का नाम स्पॉट रहेगा, ये जो फील्ड है स्पॉट रहेगा, और इसके अंदर में पॉइंट एलिवेशन, लाइक ये डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो ये पॉइंट एलिवेशन, कंट्रोल में कंट्रोल, इसमें डिफरेंट है, कंट्रोल में सेम सेम रहता है ना, रुको दिखाते हैं, स्पॉट इसको रखेंगे, पॉइंट एलिवेशन, बाकी सब का भी देख लेते, रिवर का बस ये टाइप में जाकर इसको स्ट्रीम करना रहता है, और ये भी देख लेते हैं कि क्यों स्ट्रीम करना रहता है, रिवर ओके, बस ये स्ट्रीम ही करना रहता है, पता नहीं क्यों बढ़ा करना रहता है। तो गया, उड़ गया क्या, वैसे स्पेशल एनालिस्ट वाला हमको सिलेक्ट करना था, चलो ठीक है कोई नहीं। तो ये सब हो गया, बाउंड्री का तो बाउंड्री कर देंगे, ये हो गया, उसके बाद आउटपुट एक्सटेंट को कर देंगे
बाउंड्री तक का, क्योंकि बाउंड्री तक ही तो लेना है। उसके बाद एनवायरमेंट्स में जाएंगे, प्रोसेसिंग एक्सटेंट डिफॉल्ट, इसमें बाउंड्री आया तो आया, नहीं आया तो यहाँ से बाउंड्री ऐड कर देंगे। ओपन, ओके ओके, सी हमारा डीएम आ गया, ठीक है ना। ये 483 से 570 तक का ये दिखा रहा है, जो भी हो आ गया। तो एलिवेशन ही दिखाता है ये भी जो ऑन डेम। अब इससे बनाएंगे स्लोप, स्लोप स्पेशल एनालिस्ट, इसमें बोल रहा है रास्टर ऐड करना, तो हमें टोपो आर यही है ना डेम हमारा, यू ऐड करेंगे। उसके बाद ये लोकेशन जहाँ रखना है वहाँ, डिग्री बोल रहा है, परसेंट राइज कौन सा चाहिए तुम्हें, तो हमारा क्वेश्चन में क्या था 30 डिग्री दिया है, तो डिग्री में रहने देंगे यहाँ पे 30 डिग्री है। तो मेथड प्लान है सब ठीक है, ओके। थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगा, तो ये हो गया, बिल्कुल भी प्लीजिंग नहीं है, देखो ना कैसा दिख रहा है, बट हाँ जो है सो है। अब इससे हम लोग निकालेंगे जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, रास्टर कैलकुलेशन, ओके रास्टर कैलकुलेटर ये चाहिए हमें। तो सबसे पहले करना क्या है, इसमें 30 डिग्री चाहिए हमें, और कौन सा बोल रहा है एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो फीचर से पहले हम लोग क्या किए, फीचर निकाले, उसके बाद वो डेम बनाया, डेम से स्लोप निकाले। तो फीचर से हम लोग एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे, और एग्रीकल्चर का याद है ना 25x2 कैसे आया याद ही होगा, पीला पीला बताए तो थे शुरू में, जो भी हो। तो पहले ब्रैकेट देंगे, फीचर ग्रेटर देन 30, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट स्लोप से निकालेंगे। उप्स नहीं, फीचर में 30 नहीं होगा यार, 25 एक से दो होगा, और स्लोप में होगा 30 डिग्री से ज़्यादा हो गया। और आउटपुट लोकेशन जहाँ देना है तो हम डिफॉल्ट ही छोड़ देते हैं, ओके। चलो हाँ, तो ये जो फीचर आया ना ये 0 और 1 में आता है, ठीक है। तो 1 जो है वो हमारा हो गया जहाँ पे हम वो प्लांटिंग कर सकते हैं सैपलिंग का जो भी है। तो चलिए देखते हैं ओपन एट्रीब्यूट, इसमें कितना है, 1 का 13,653 है, ठीक है। तो अब इतना है तो इसको 13,653 काउंट था ना, तो मेव डाटा फ्रेम प्रॉपर्टीज, क
खुद बोल रहा है किस में रहता है। तो इसका कितना है 13,653। तो प्रॉपर्टीज में जाएंगे 13,653 पिक्सेल है, ठीक है काउंट। तो यहाँ से सेल साइज भी निकालने हैं, 27.13 है। तो चलो देखते हैं 27.13 into 13,653। तो इतना एरिया आया हम लोगों का, ठीक है। तो इसको बाय 20 करेंगे क्योंकि 20 पर स्क्वायर मीटर में एक, और इतना आया इंटू 10 कर देंगे तो कितना है 50 लाख कॉस्ट हो गया। तो मैं पक्का यकीन है ये गलत आया, क्यों कल क्लास में किए थे। तो कोई ना, ये हो गया। जनरल ज्योमेट्री में जाते हैं। ज्योमेट्री मैनुअली था, ये जनरल ज्योमेट्री अपने आप कर देता है, एरिया निकाल देता है। इनपुट रास्टरफील, तो हमारा कहाँ गया स्लोप ने, फीचर एसेस। यहाँ आ गया जो नाम ओपन। तो इतना एरिया आ गया वन का, बट ये हमें गलत लग रहा है। तो कभी गलत भी आता है, कभी सही आता है, पता नहीं क्यों, बट हमारा इसका उपाय एक ही है। इसको करेंगे कितना, 1 करोड़ है, 1,000,000, 10,000, 1,000,000, 10,000,000। तो इससे काम नहीं बनेगा, तो इसको रिमूव कर देते हैं, जोनल को भी रिमूव कर देते हैं, और फिर से करना पड़ेगा ये। अगर हमें तो आंसर मालूम है तो इसलिए बोल रहा है कि गलत आया है, बट अगर आंसर ना हो मालूम तो सबसे बेस्ट यही होगा कि फिर से करके देखते हैं, फिर से वही आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो गड़बड़ है, तो फिर से करके देखेंगे। तो क्या करेंगे, पहले राष्ट्र कैलकुलेटर, ब्रैकेट, फीचर, कुछ गलती किए थे, इक्वल टू देना होता है 25, 1 से 2 ब्रैकेट क्लोज एंड स्लोप ग्रेटर देन 30। ओप्स, ओके कर देते हैं। ओके, हमें लग रहा है उस वक्त हम गलती किए थे क्योंकि अब देखो बहुत कम ग्रीन आया है। तो जो जियोमेट्री
क्यों नहीं खुल रहा? क्या हुआ? ओ इधर है। अब है 21, 38, 98 इतना है रिया है। उप्स नहीं ज्यादा है 21, 13 8, 9, 8 डिवाइड 20 × 10 10,56,949 फिर से इतना आना पड़ा 21, 11, 38, 98 इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा काम सही है। कट कट, इसको निकाल देते हैं। प्लस सर्च रास्टर कैलकुलेटर ब्रैकेट फीचर इज इक्वल टू 25 एक्सेल 2 यही एंड स्लो SPH5 38 आ गया ना 9। कैलकुलेटर में देख लो, मतलब हमारा हिसाब सही है। तो हाँ ऐसे कर सकते हो। और कुछ करना है क्या? इसको एक्सपोर्ट करना है बस इतना है। तो ये किसी और वीडियो में, बस आज के लिए इतना है।